सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, मेरा नाम है गणेश। आप देख रहे हैं आपका जिक्र सबसे पहले। तो गाइज, आज मैं स्टेप रिकॉर्डिंग करने वाले आपको, जिस स्टेप रिकॉर्डिंग सीखने लिए आपको वीडियो ऊपर देखना। गाइज, जब मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल। तो गाइज, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, चल जल्दी फॉलो कर। न्यू पोस्ट डालता हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो गाइज, हम ऐसे पिक्सार्ट को ओपन कर लेते हैं। पिक्सार्ट में जाएंगे, आपको पिक्सार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करना। गाइज, ऐसे स्किप करने के बाद ऐसे गाइज हम ऐसे इस समय 3 डॉट वाले सेटिंग में जाएंगे और मैक्स साइज को हम बढ़ा देंगे और ऐसे ओके कर देंगे। और ऐसे बैकग्राउंड को हम ओपन कर लेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सो गाइज, हमारा बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। तो गाइज, ऐसे हम आउटपुट में जाएंगे, ऐसे मॉडल कॉपी को हम ऐड कर लेंगे। गाइज, तो मैंने पहले बैकग्राउंड इरेज करके रखा हो, तो आप कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगे वहाँ से आप सीख लेना गाइज कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करते। तो गाइज, हमारा मॉडल ऐड हो चुका है। तो गाइज, ऐसे हम इस जगह सेट कर लेंगे। इस जगह सेट करने के बाद ऐसे हम इफेक्ट्स वाले टूल में जाएंगे सबसे पहले, सॉरी एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद ऐसे ब्राइटनेस को हम माइनस कर देंगे और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे और क्लैरिटी को हम बढ़ा देंगे थोड़ा, उसमें हम माइनस करेंगे, सॉरी बढ़ा देंगे और ऐसे डन कर देंगे। गाइज, ऐसे डन होने के बाद इफेक्ट्स वाले टूल में जाएंगे। इफेक्ट्स वाले टूल में जाने के बाद ऐसे हम कलर और इस ऑप्शन में जाने के बाद ऐसे हम कलर और ऑप्शन जाने के बाद ऐसे हम सिचुएशन को हम वहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। रैसेज को हम थोड़ा कम कर देंगे और ऐसे ड्रॉ में जाने के बाद ऐसे इरेज कर देंगे, पूरा ये कर देंगे। और ऐसे इरेज में जाएंगे, हाइडनेस को हम कर देंगे, साइज को कम कर देंगे और इसकी क्लैरिटी को हम माइनस कर देंगे थोड़ा। ऐसे हम इसको इरेज कर लेंगे गाइस। आप अच्छे से इरेज करने के बाद ऐसे कर देंगे गाइस। ऐसे डन होने के बाद ऐसे हम इरेज वाले ऑप्शन जाने के बाद ऐसे इसको हम नीचे से इरेज कर लेंगे हल्का सा, जो कि हमारा फोटो रियल लगे। तो गाइस, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब मेरे वीडियो को चैनल बनाए हैं तो ऐसे डन कर देंगे। डन होने के बाद ऐसे गाइस, हम एक पीएनजी को हम ऐड कर लेंगे, जो बड़े वाली पीएनजी है इस पीएनजी को हम ऐड कर लेंगे। ऐसे डन कर देंगे। डन होने के बाद ऐसे हम ड्रॉ वाले ऑप्शन जाएंगे। ड्रॉ वाले ऑप्शन जाने के बाद ऐसे गाइस इसको हम सेव कर लेंगे। और चलिए लाइटरूम में ओपन करते हैं इस पिक को हम। तो गाइस, आपने अभी तक लाइक नहीं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को दबाए। तो चलिए लाइटरूम ओपन। तो गाइस, हमारा फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुका है। तो लाइटरूम में ऐड होने के बाद ऐसे हम सबसे पहले इस ऑप्शन जाने के बाद ऐसे एक्सपोज को हम बढ़ा देंगे और कॉन्ट्रास्ट को माइनस कर देंगे और हाईलाइट को माइनस कर देंगे और शेडोज को हम माइनस कर देंगे। गाइस, शेडोज को माइनस करने के बाद वाइट को भी माइनस कर देंगे और ब्लैक को बढ़ा देंगे और ऐसे कलर वाले ऑप्शन जाएंगे। और कलर वाले ऑप्शन में मिक्स वाले जो टूल में जाएंगे, ऐसे हम इस कलर को माइनस कर देंगे और ऐसे इसको इस टाइप का कर देंगे और ऐसे डन कर देंगे। डन होने के बाद ऐसे विग्नेट वाले ऑप्शन देंगे, विग्नेट को माइनस कर देंगे, टेक्स्ट पैड को बढ़ा देंगे और क्लैरिटी को भी और ऐसे इसको हम बढ़ा देंगे और रेडिएशन को पिक्चर माइनस करके नॉइस रेडिएशन को भी बढ़ा देंगे। गाइस देखिए, तो बिफोर देखिए और आफ्टर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है पिक हमारा, जो रियली तक दिख रहा है। तो गाइस, आपने अभी मैं चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके साथ ही लिखूँ तो भाई। और चलिए मिलते हैं, फिर आउट में जाने का सेव ही मच कर लें।
ऐसे करना भूलना तो ऐसे।